ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस। तो स्टार्ट करती हैं आज की रीडिंग से, कैसा रहेगा आज का दिन। उससे पहले मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज मैं एक वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग डाल रही हूँ, इस जो ये वीक स्टार्ट हुआ उसके लिए, जिसमें 12 जोडियक साइन की मैंने क्रिस्टल रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर, अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वैसे, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप उसको चेकआउट कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो आपको रीडिंग कैसी लगी है, ताकि मैं आगे फ्यूचर में भी ऐसी रीडिंग्स आप लोगों के लिए करती रहूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों, सब लोगों के लिए, इतने प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से, कैसा रहेगा आज का दिन। किसी जगह से आप किसी ब्लॉकेज से बाहर निकल रहे हो इस चैरियट कार्ड के साथ, जो है बहुत ब्यूटीफुल। किसी एनर्जी को, किसी ब्लॉकेज, किसी नेगेटिव एनर्जी को आप पीछे छोड़ रहे हो और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, इस वाइट लाइट के साथ, इस सनलाइट के साथ, ये जो सनफ्लावर है राइट, ये वाइटलिटी का, पॉजिटिविटी का, किसी भी तरह की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आप आगे चल रहे हो। ये पॉजिटिव एनर्जी आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, ये आपका फेथ हो सकता है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आपके मिरेकल्स हो सकते हैं, जो आप पकड़ कर उसको आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आप बैलेंस कर पाओगे, आज जिस भी जर्नी पे आप निकलना चाह रहे थे उस पर निकल पाओगे। फॉरवर्ड मूवमेंट है यहाँ पर। कुछ सरप्राइजेज भी मैंने, जैसे ऐसे हॉर्सेस की आंखों में किस तरह का सरप्राइज है, आगे आगे रास्ते में किस तरह के सरप्राइजेज भी आपको मिलने वाले हैं इस जर्नी पे। पर इस जर्नी के लिए शायद आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, फाइनली आप अपने आप को रेडी कर पाए हो। अगर आप फिजिकली भी अगर कोई काम नहीं करते हो किसी चीज़ के लिए, किसी एफर्ट्स नहीं करते हो, लेकिन एक सोच लेना कि आप रेडी हो और आप करना चाहोगे, अगर किसी रीजन से नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब आप करना चाहोगे, वो ही आपका पहला कदम होता है। कि मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, विश्वास कर लेना कि हाँ आप कर सकते हो, तो वो भी ये आपका पहला कदम हो सकता है। यहां पर है वांट्स, यहां पर है ग्रोथ, कि डिवाइन, जो भी आप जिस जर्नी पे हो, जो भी आप करने जा रहे हो, उसमें ग्रोथ है डेफिनेटली। और डिवाइन ये मेक श्योर कर रहे हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपनी हेल्प के साथ, कि आप इस बार जो भी ये करने जा रहे हो, जहां पर भी एक्शन लेने जा रहे हो, जो भी बीजने जा रहे हो आप, उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जिस भी मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो, उसमें सक्सेस डेफिनेटली है यहां पर। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आप कईयों के लिए पैशन फॉलो करना है अपना, ये कि आप अपने पैशन को के लिए काफी देर से वेट कर रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे। ये पैशन किसी भी तरह का पैशन हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये कि पेंटिंग ही हो, पेंटिंग भी हो सकती है, लेकिन ये पैशन, जैसे मेरा टैरो रीड करना एक मेरा पैशन है राइट, वो किसी तरह की आपकी हॉबी हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है, उसको आप फॉलो करने जा रहे हो। उसके लिए भी आपका ये पहला कदम, जिसके लिए शायद आप रुके हुए थे किसी रीजन से और अब आगे बढ़ पा रहे हो। आज के लिए ब्लेसिंग आपकी ये है, सेम ब्लेसिंग भी है बिगिन नाउ, जो ये बता रही है टेक योर फर्स्ट स्टेप, कि कुछ ना कुछ तो आप पीछे, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, आपकी इस जर्नी में रेजोनेट नहीं कर रहा था, वो आप पीछे छोड़ रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे लग रहा है आपकी इंटरनल कोई चेंज है, इंटरनल कोई एस्पेक्ट था जिसने आपको रोका हुआ था आगे बढ़ने से, बट डेफिनेटली आप उसको पीछे छोड़ रहे हो और आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। ये आज की ब्लेसिंग है। तो ये भी, और कईयों के लिए ये ट्रैवलिंग हो सकती है अपने काम के लिए, किसी भी रीजन के लिए ट्रैवलिंग भी है आज चैरियट कार्ड से। आज के लिए कृष्ण मैसेज ये है कि यू आर नेवर अलोन और हेल्पलेस,
द फोर्स दैट गाइड्स द स्टार्स गाइड्स यू टू. तो इस जर्नी पे अपने आप को अकेला नहीं समझना, जो ये कन्फर्मेशन यहाँ पे भी है डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन की हेल्प आपके साथ है. और ये जो बैलेंस दिया जा रहा है ना, आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है, ये भी डिवाइन की हेल्प से ही आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो. तो अपने आप को अकेला नहीं समझना है आपको, आपके गाइड्स या आपकी हेल्प या आपको गाइडेंस किसी ना किसी रूप में जरूर आपको पहुंचाई जाएगी. आपको सिर्फ फेथ के साथ आगे बढ़ना है. आज के लिए मिरेकल मैसेज ये है आप लोगों के लिए इस डालमेशन क्रिस्टल की तरफ से. आज किसी ना किसी एक या काफी सारी नेगेटिव अपने एस्पेक्ट को आप पीछे छोड़ रहे हो, जैसे मैंने यहां पे भी बात की है, किसी तरह का फियर, ईगो, लो कॉन्फिडेंस, हेल्थ के लिए भी लो हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ आप ऐसे पीछे छोड़ रहे हो. किसी तरह की इंटरनल चेंज है आप में जो आज आ रही है, वही इंटरनल चेंज आपको पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए. ये मिरेकल है आज के लिए. तो फेथ भी हो सकता है कि शायद आपको फेथ नहीं था अपने ऊपर, बिलीव नहीं था अपने ड्रीम्स के ऊपर. सब लोगों के लिए ये अलग अलग हो सकता है. किसी का कोई शेडो सेल्फ थी, कोई शेडो सेल्फ थी अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं करने के लिए, एक्सक्यूजेस थे, कईयों के लिए लेजीनेस थी, डेविल की एनर्जी थी, या किसी भी तरह का स्ट्रेस या ब्लॉकेज था, वो आज आप उनके पॉजिटिविटी में चेंज करके आगे बढ़ रही हो. ये मिरेकल है आपका. ये जो क्रिस्टल होता है ये स्ट्रेस को दूर करता है. तो वो स्ट्रेस किसी भी रीजन से था, वो एंग्जाइटी किसी भी रीजन से थी, वो इसलिए भी थी क्योंकि आप करना चाहते थे लेकिन किसी रीजन से पीछे रह रहे थे, लेकिन आज आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो. ये मिरेकल है आज के लिए. तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को बहुत सारी पॉजिटिव वीडियोस के लिए, एवरीडे वीडियोस के लिए. थैंक यू अगेन. थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए, बहुत सारी रिस्पेक्ट और लाइक्स के लिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटिफुल एंड ब्लेस्ड डे. बाय फॉर नाउ.